महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों के घरों में खाना नहीं बनता। दाता साहब जाते हैं और वहाँ से लंगर इकट्ठा करते हैं, महीना महीना घर में वही लंगर खाया जाता है। आपकी किधर है? शोर मेरा काम करते जे दिहाड़ी बस, तो घर पे खाना नहीं बनता। नहीं, कभी बना लेते कभी ना बने, फिर दाता की रोटी लेके जाते हैं। दाता साहब जाते हैं, लंगर वगैरह इकट्ठा करते हैं। हाँ जी। कितने दिन का? 5-6-10 दिनों में खा लेते बच्चे हमारे। बताएं कि ये कब से हालात ऐसे हुए हैं कि आप दादा साहब जाने लग गए हैं? साल हो गया हमें इधर दादा साहब आते, हो गया मतलब घर में खाना बनता ही नहीं है। नहीं, कट बनता, जब पैसे होते बना लेते, नहीं बनाते। मतलब पहले हालात आपके साल पहले ठीक थे? जब हालात खराब होना, कोई भैंस भाई ना साथ हो तो फिर ऐसे हो जाता है। खाना भी घर अच्छा बनाता था, जो बच्चे कहते वो खाते थे। हम कभी दाता का मुंह नहीं थी देखा मैंने, अब मुझे दाता रोटी देता हूँ अपने बच्चों के लिए लेके। तो आप भी दादा साहब जाती है लंगर लेने के लिए? हाँ जी, घर का गुजारा नहीं होता, 2-3 दिन इधर से लेके जाते फिर खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मेरा बाइक के लुडो टीवी के साथ नाजी। इस टाइम मेरे साथ एक माजी मौजूद है जो एक एक हफ्ते का राशन इकट्ठा करते हैं, दरबार जाते हैं, वहाँ से राशन लेकर आती है और अपने घर का गुजारा करते हैं। माजी से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। माजी की नाम तुम्हारा? मेरा फिरदौस है। कितने दिन रहने वाले हो? शदरे पे। शदरे मोड़ में ये पुल नहीं बना जो सा नवा, उधर रहते हैं फरका बार के पास। अच्छा, वहाँ रहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4। कितने बेटे कितनी बेटी? 3 मेरी बेटी है, एक मेरा बेटा है। बेटा जवान है? छोटा है। अच्छा, बेटियों की शादी हो गई है? अभी तो शादी नहीं हुई। नहीं, बच्चियों की शादी नहीं, मेरी बच्चियाँ माशाल्लाह तीनों छोटी हैं। अच्छा, बच्चियाँ भी छोटी हैं। मियाँ आपकी किधर है? मियाँ शोहर आपके? शोहर मेरा काम करते जे दिहाड़ी बस। कितनी दिहाड़ी मिलती है? कितनी गल नहीं उतनी मिलती है हफ्ते में। फिर बच्चे भी हमारे पढ़ते हैं, बच्चों की फीस से भी देते, सब कुछ करते हैं। तो घर का गुजारा जो है? नहीं नहीं, वो नहीं चलता छेती, नहीं होता पूरा। तो घर पे खाना नहीं बनता? नहीं, कभी बना लेते कभी ना बने, फिर दाता की रोटी लेके जाते हैं। सब जाते हैं लंगर वगैरह इकट्ठा करते? हाँ जी। कितने दिन का? यही 5-6-10 दिनों में खा लेते बच्चे हमारे। नहीं, हम फ्रिज में रख नजर। यहाँ पर एक और हमारी बहन मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। ये कहाँ से आई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मंदीखा। कहाँ से आई हैं आप? अमीन भारत से। शादीशुदा हैं आप? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3। कितने बेटे कितने बेटी हैं? 2 बेटे 1 बेटी। वो कहाँ हैं? अंदर गए। हाँ जी, अंदर गए। और आपके जो शोहर हैं वो कहाँ हैं? वो काम पे गए। शोहर काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप भी दादा साहब जाती है लंगर लेने के लिए? हाँ जी, घर का गुजारा नहीं होता। शोहर आपके काम नहीं करते? करते हैं, मगर घर का काम गुजारा नहीं होता, बिल वगैरह बहुत आते हैं। 2-3 दिन इधर से लेके जाते हैं, फिर खाना खाते हैं। दादा साहब से खाना लेके जाते हैं? हाँ जी, फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज कर देते हैं, वही खाते हैं। बच्चे खा लेते हैं इतने दिन का पड़ा हुआ खाना? अब मजबूरी है, घर का गुजारा नहीं होता। बच्चे खाते नहीं? नहीं, फिर वो कहते हैं हमें भी खाना कोई अच्छा मिलना चाहिए, ताज़ा खाना, फिर बेचारे मजबूरी से खा लेते हैं। अच्छा। वो नखरे नहीं करते, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो नखरे नहीं करते। कैमरे में नहीं बुला रहा, मुझे पता है ना फोटो आ जाती है। अच्छा। मैंने कभी अच्छे है, जे लोग भी है कुछ समझे तो कुछ देना, उधार मांगो तो कहते नहीं देना। और मेरा मियाँ काम करता, हम नहीं करते। मेरे बच्चे माशाल्लाह 4 पढ़ते हैं। पढ़ते? हाँ। उनकी फीस वगैरह भी देते? हाँ जी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, प्राइवेट में तो किताबें खुद लेनी पड़ती है, तो फीसें 3 बहन भाई है, उन्हों की 1500 रुपया फीस देते हैं। किताबें कतूबें बखरी डाल के आप ही है, बड़ी वो मदरसे में लगी है, हाल में कर रही है, अब कर रही है हाल में आप ही। अच्छा। हाँ बस। तो मुझे बताएं कि ये कब से हालात ऐसे हुए हैं कि आप दादा साहब जाने लग गए हैं? ये तो कोई साल हो गया हमें इधर दादा साहब आते, दादा साहब जाते हुए साल हो गया। हाँ, रोज हमें हो गया, मतलब घर में खाना बनता ही नहीं है। नहीं, कट बनता, जब पैसे होते बना लेते, नहीं बनाते। यहाँ से दादा साहब जाते हैं, वो चावल और दाल वगैरह मिलती है? दाल तो कट लेते, चावल बच्चे ले लेते, नान नून ले लेते हैं। अच्छा, एक साल से आप ये खा के गुजारा कर रहे हैं? हाँ, बड़ी बात है। आपके बच्चे अच्छे हैं जो नखरे नहीं करते। और वो बच्चे आएंगे देखना, ये बड़ी बेटी है मेरी माशाल्लाह। अच्छा, वो भी इधर आपके पास आए हुए हैं? हाँ, ऊपर रोटी लेने गए हैं। अच्छा। एक छोटी बेटी है मेरी, वो अंदर पापा के साथ गई है,
तो खाना लेने, भाई भी साथ गया पापा के साथ खाना लेने, तो बस ये दुनिया कट्टी हो गई ना क्या अजय लड़की हो गया। हाँ नहीं वो लोग देख रहे हैं कि इंटरव्यू हो रहा है। हाँ ये बात है और कोई बात तो कैसे मतलब पहले हालात आपके साल पहले ठीक थे? हम सही थी, ये अब जब गरीबी आ जाती है ना, कभी गरीबी हो ही जाती है। किस तरह गरीबी? कभी कभी हो जाता गरीब, जब हालात खराब होना कोई भैंस भाई ना साथ हो तो फिर ऐसे हो जाता है। नहीं पहले साथ देते थे साल पहले। हाँ मेरी अम्मी लोग है, अम्मी अब्बू है तो साथ दे देते थे, जब मेरा अब्बू भी नहीं है ना मेरी मामा हैगी है, भाई नहीं है मेरा, हाँ बहने बहने। अच्छा जब किसी ने सबने साथ आपको छोड़ दिया उसके बाद हालात खराब? हाँ जी हाँ ये बात है। और कुछ मतलब घर में ही आप रहते थे और खाना भी घर अच्छा बनाता था, जो बच्चे कहते वो खाते थे हम, कभी दाता का मुँह नहीं थी देखा मैंने ये दाता का, अब मुझे दाता रोटी देता मैं अपने बच्चों के लिए लेके जाऊँ। ये भी बड़ी बात है कि दाता साहब की तरफ आपका लंगर लगा हुआ है और आप लोग दाता साहब का लंगर खाते हैं। आई जैसे एक लोगों को नसीब होता है जब बड़ी बेटियों साथ हो ना अच्छा नहीं लगता, ये दुनिया जो है ना देखती है रंग बिरंगी तो ऐसे, तो बच्चियों को देखना तो अच्छी बात है, मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरी बेटी के पास ना कोई है नहीं। अच्छा उम्र कितनी है? कोई होएगी 9 साल है अभी, छोटी थी बड़ी। नाजरीन आपने देखा कि ये हालात हैं यहाँ पर लोगों के, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों के घरों में खाना नहीं बनता, दाता साहब जाते हैं और वहाँ से लंगर इकट्ठा करते हैं और हफ्ता हफ्ता दो दो हफ्ते जो है महीना महीना घर में वही लंगर खाया जाता है। तो मैं यही कहूँगी गरीब की कोई सुनता नहीं है ना किसी ने सुननी है, गरीब सारी ज़िंदगी जो है वो गरीब ही रहेगा और अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है। हालात आपके सामने हम क्या कहें, अल्लाह इनका साथ दे और ताकि ये अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें और इनके घर में खाना बन सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।